कैसे हो सारे दोस्तों, राम राम भाई सभी लोगों को। अब तो भाई बढ़िया से 3, 3:30, 4 बजे तक सोए। वैसे सुबह आया था बंटी और उसके साथ लेने जाना था आईफोन। भाई मैंने बोला था ना कल इंटरेस्टिंग वीडियो आया था, तो आज का प्लान ये था कि आईफोन लेने जाना था और आईफोन आपको मुझे दिखाना था कि यहाँ पे कनाडा में कितने रेट कैसे और किस रेट में, और मेन जो चीज़ दिखानी थी ना वो आपको अपने फ़ोन के साथ जो रिचार्ज जो होता है ना, सॉरी फ़ोन के साथ जो आप रिचार्ज करवाते हो ना उसके साथ वो फ़ोन का उसमें ऐड हो जाता है। जैसे कि आपने अगर आप इंडिया में एयरटेल का कार्ड यूज़ कर रहे हो तो जैसे कि 3 महीने का रिचार्ज करवा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हर महीने आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है और उसमें ही अपना फ़ोन का EMI, यानी कि आपको एयरटेल वाले ही आपको फ़ोन देते हैं। और कुछ दो चीज़ रहती है, एक लीज पे फ़ोन रहता है और एक टेकिट रहता है। मतलब लीज पे होता है ना तो वो 2 साल के बाद आपको फ़ोन फिर से जमा कराना होता है, और जो टेकिट होता है ना तो वो 2 साल के बाद आपका फ़ोन हो जाता है बढ़िया से। तो उसमें भी 0% इंटरेस्ट लगता है, तो लोग क्या है कि लेते हैं। बट भाई बंटी आया था, बंटी ने ट्राई किया, बंटी को चाहे डेजर्ट टाइटेनियम कलर और भाई 512 GB, तो हम 3-4 जगह घूमे बट वहाँ पे नहीं मिला। फिर घर पे आया, फिर मेन चीज़ थी आज भाई घर पे, जैसे मैंने बोला कि कल बुरा भाई के घर गए थे तो वैसे ही आज हमारे घर पे प्लान था भाई पानी पूरी का। बढ़िया से सारे लोग इकट्ठा होकर पानी पूरी खाई, कभी कभार कर देते हैं साथ में मिलकर, कुछ हो जाता है। और वैसे नवरात्रि अभी चालू होने वाली है धीरे धीरे, तो उसका भी कुछ करेंगे कि क्या है क्या नहीं, ये वो फलाना टिमकाना ऐसा है। बाकी तो भाई यही है अपनी लाइफ कनाडा में। आ तो देखो गैप वैप की हुडी पहन ली है। हाँ भाई फिर बीच में हम गए थे, हाँ शाम को जो चीज़ें लेने गए थे, पूर्वी को लेना था एक जूता और फिर एक स्मिथ को लेना था। तो यहाँ पे समझो कि रिबोक का जूता $40 में मिला 2500 रुपये में, वो भी 8000 का जूता 2500 में, 70% डिस्काउंट का कुछ कूपन था और आज उसका लास्ट दिन था। मंजी के लिए भी लिया था 2 दिन पहले जूता, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट ये वाला बढ़िया था। मंजी ने लिया न्यू बैलेंस का, ये दोनों लोगों ने लिया रिबोक का। फिर मैं कल आपको जूते दिखाऊँगा, अगर पहले अभी आपको दिखा सकता हूँ तो अगर देख लूँगा गैरेज में पड़ा होगा तो दिखाऊँगा। बाकी भाई घर पे आया है भीमाणी, भीमाणी बना रहा है जो सत्यनारायण भगवान की कथा में शीरा होता है ना, वो शीरा रात को 2:30 बजे पहले सबसे देखा तो घी ही नहीं था, घी तो पहले घी बनाने के लिए लग गए। फिर भीमाणी कुछ कर रहा है, मुझे पूछा कि तुझे खाना है, मैंने कर दिया भाई मना कर दिया कि भाई भीमाणी अगर कुछ बना रहा है ना तो पहले 3 लोग खाएंगे, अगर कुछ हुआ नहीं ना तो हम लोग खाएंगे भाई। उसका भाई बड़ा दिक्कत वाला है। और अभी मैं जब व्लॉग शूट कर रहा हूँ रात के 2 बजे, आपको लग रहा होगा कि भाई ये बीच में व्लॉग शूट नहीं कर क्यों नहीं कर रहा, ये बीच में व्लॉग शूट्स नहीं कर रहा, सीधा नाइट को ही दिखा रहा हूँ और सीधा 1 वीडियो ही आ रहा है। तो मैंने जैसे कल भी बोला कि कुछ प्रिपरेशन चालू है अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो एक स्टोरी टेलिंग वीडियो के लिए कुछ प्रिपरेशन चालू है जो भी शायद मैं घर के भी किसी को नहीं पता है। हाँ अभी बुरा भाई और राणा जी हम घूमने निकले थे वॉकिंग करने के लिए, थोड़ा सा खाना पचाने के लिए, पानी पूरी पचाने के लिए, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा है भाई, तो उसमें काम चालू है इसलिए मैं ये सारे व्लॉग्स पर ध्यान नहीं दे पा रहा। और भाई मेरा मेन कंटेंट तो वही है ना स्टोरी टेलिंग वाला, मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने ऐसे ही आएंगे। दिन में शूट कर सकता हूँ बट कभी कभार मुझे भी सेम चीज़ें क्या ही शूट करूँ भाई, जैसे आज मैंने बोला ना अच्छा वीडियो आने वाला है बट आईफोन ही नहीं मिला तो क्या करें। वो मैं अगर शूट कर सकता था गए फिर ना मिला और फिर कुछ कैचिंग वाला थंबनेल डाल दिया, बट वो होगा क्योंकि अभी घर पे 3-4 लोगों को भी iPhone 16 Pro Max और वो सब कुछ लेना है, तो उसके लिए भी जाने वाले हैं, तो वो मुझे पता है कि मुझे लेकर तो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि ये लोग हिडन चार्जेस और सब लगाते हैं ना, तो मुझे
मोस्टली सारे लोग मुझे साथ साथ लेकर ही जाते हैं, मतलब मुझे नहीं, हम सारे लोग साथ में जाते हैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं हम, कभी एक दूसरे के बिना नहीं जाते। नोक जोक छोटी मोटी तो भाई घर पे हैं, बर्तन तो बर्तन की आवाज़ तो आएगी घर पे, बर्तन की तो ऐसा है भाई। बाकी यही सन्नाटा, यही हम, यही लोग। अभी बुरा भाई घर पे ही है क्योंकि भाभी जी की शिफ्ट थी, तो उनकी उनका पिकअप यहाँ से ही घर से ही हो गया था। अभी वो शिफ्ट पे हो गए, नाइट शिफ्ट पे। कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, बट वो मैंने बोला ना कल, वो उस वीडियो में आएगा, अब नहीं आया, अभी नहीं आएगा। प्लानिंग करता रहता हूँ, अगर हो सके तो एग्जीक्यूट करेंगे, वरना करते थे क्या बोल रहा हूँ, अगर हो सका तो एग्जीक्यूट करेंगे वरना नहीं करेंगे। बाकी घर अपना आ गया है, अभी कुछ मुझे कहने लायक है नहीं। अभी घर पे आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन चालू है ये सारे लोग। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा भी रूल रहता है, एक फायर हाइड्रेंट है, जैसे GTA VTA में देखते थे, इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अगर अगर कुछ आग वाग लग जाती है, मोस्टली सारी चीज़ें लकड़ी की ही बनती है, और यहाँ पे नज़दीक में पार्क नहीं कर सकते, और यहाँ पे अगर आग वाग लग जाए तो यहाँ से उन लोगों के पास कुछ लॉक रहता है, तो वो यहाँ से वो करके यहाँ से पानी रिफिल करते हैं। और भाई ये देखो कचरा, हर मंडे कचरा बाहर रखना होता है, जैसे कि ये कचरा रखा है इन लोगों ने, हमारा पड़ोसी है। देखो ये दोनों सिविक है, एक 2008 का मॉडल है और 2018 का पीटी दादा की गाड़ी। देखो हमने भी कचरा रख दिया, अभी मुझे लग रहा है कि ऐसे ही रख दिया है जिसने भी रखा है, तो वो कल आकर देखेंगे, तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, बोल दूंगा किसी को कि क्या चेंज करना होगा। हाँ, ये सारा सामान लेकर नहीं जाएंगे, ये किसी ने ऐसे ही रख दिया है, गलत बात है, आई डोंट थिंक सो, ये ले जाएंगे। बाकी घर आ गए और वाणु बात कर रहा है किसी से, ये रहा देखो, आप कमेंट करो इतनी रात को किससे बात कर रहा है। माता नहीं रहे, वाह वाह बढ़िया से शीरा बन रहा है, बाजू में दूध उबल रहा है, वाह नहीं नहीं बढ़िया से स्मेल तो अच्छी आ रही है भीमणी, काजू मुझे खाने के लिए दे दो, भीमणी ने काजू खा दे पहले, ओके भीमणी ये ले तेरे लिए, तुझे जो चाहिए हाँ बता देना, सब कुछ है यहाँ पे। भीमणी का शेफ Thank you.